साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा, रिटायर्ड पुलिस वाला। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, शीर्षक है तथागत भगवान प्रभु श्री बुद्ध। बुद्ध जी का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ से बुद्ध कब बने, इस यात्रा को आज आप बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से आप सुनिए। आपने बहुत सारे विवेचन सुने होंगे बुद्ध जी के ऊपर, लेकिन जो ये विवेचन आज आप सुनेंगे वो बहुत ही तार्किक है और यथार्थ है कि क्या आज संपूर्ण विश्व को, भारत नहीं, भारत तो बहुत छोटा है, क्या संपूर्ण विश्व को आज एक और बुद्ध की आवश्यकता है। इसी पर मंथन होना है और वो भी जो आप मंथन देखेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में आप जितने भी महान विभूतियाँ हुई हैं उन पर अगर आप नज़र डालेंगे तो एक ही महान भाव ऐसे हैं जिनका जन्म वैशाख पूर्णमासी को, जिनको ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णमासी को, और जिनका महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णमासी को, और एक और घटना वो भी वैशाख पूर्णमासी को ही बुद्ध जी के साथ हुई। तो मेरी समझ से, क्योंकि मेरा चैनल प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण व पेड़ पौधों की विशेष जागरूकता के लिए मंथन करता है, तो इनसे बड़े व्यक्तित्व का मालिक हमें पूरी दुनिया में आज कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो आज आप जो विवेचन सुनेंगे वो बहुत ही तार्किक है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर है, तो जरूर सुनिए, आपकी कई भ्रांतियाँ, कई आपके भ्रम भी दूर होंगे। कभी आपने महात्मा बुद्ध जी के अवतरण के समयकाल का परीक्षण किया कि वो समय इस भारत देश में क्या स्थितियों से गुजर रहा था, और आज पूरी दुनिया किस विचारधाराओं से और किस आतंक और युद्ध की विभीषिकाओं से गुजर रही है। कभी आप ये कल्पना करिए तो क्या वास्तव में आज एक और तथागत बुद्ध की आवश्यकता है इस समस्त दुनिया को। तो उत्तर यथार्थ में होगा कि वास्तव में आज एक और बुद्ध की आवश्यकता है इस समस्त दुनिया को, क्योंकि दुनिया में जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है, एक सकारात्मक विचारधारा और एक नकारात्मक विचारधारा। बुद्ध सकारात्मक विचारधारा के देदीप्तमान नक्षत्र थे और उस समय भारत देश में नकारात्मकता का माहौल अपनी चरम सीमा पर था। चारों तरफ पशुबल, आडंबर, कुरीतियाँ आच्छादित हो गई थी, और सत्य तो यह है कि वेद का जो साकार रूप था उसमें परिवर्तन हो गया था और उसमें विभ्रंशता चारों तरफ आ गई थी। लोग वेदों को अपने अनुसार ढालने का प्रयास कर रहे थे। उस समय इस पृथ्वी मंडल पर एक नक्षत्र के रूप में महात्मा बुद्ध जी का अवतरण भगवान के रूप में हुआ, और मान्यता भी है कि भगवान बुद्ध विष्णु के नौवें अवतार माने जाते हैं। खैर, महात्मा बुद्ध जी एक क्रांति और एक नई चेतना के घोतक थे, और उन्होंने शास्त्रार्थ करके और पूरे भारत का और नेपाल का भ्रमण करके एक नई जागृति पैदा कर दी लोगों में। और शायद दुनिया के आप जितने भी आप विचारकों को देखें, दार्शनिकों को देखें, तो शायद बुद्ध सर्वप्रथम थे। बुद्ध इस दुनिया में सर्वप्रथम थे, उसके बाद विचारक और पैगंबरों का आना इस दुनिया में प्रारंभ हुआ। उससे पहले सिर्फ ईश्वर सत्ता, संघ नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले संघ और कर्म का संखनाद किया और कर्म को प्रधानता दी। महात्मा बुद्ध जी ने सर्वप्रथम आत्मा और परमात्मा की जो एक विचारक शैली चल रही थी, जिसका कोई हल किसी के पास नहीं था, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के में ही सबको विलीन कर दिया गया था, और उसी से जन सामान्य का शोषण एक विशेष वर्ग इस देश में कर रहा था, और चारों तरफ कुरीतियाँ ही कुरीतियाँ फैल गई थी। पशु बलि पूरे बहुत भयंकर रूप से हो रही थी। उस समय बुद्ध एक चुनौती के रूप में आए
और बुद्ध का अवतरण किसी गुरु या किसी विशेष विचार शैली से नहीं हुआ, बल्कि उनकी जो विचार शैली थी वो स्वतः विचार शैली उत्पन्न हुई। क्योंकि बुद्ध जी की जो जीवन दिनचर्या आपने और उनका जीवन का जो परिचय आपको मिला होगा कि बुद्ध श्री क्षत्रिय राजा शुद्धोधन जी के पुत्र थे और उनको उनका बचपन एक विशेष संरक्षण में बीता था, जो कि एक विशेष सिद्ध संत ने उनके बारे में भविष्यवाणी की थी। उससे चिंतित होकर राजा शुद्धोधन ने उनको एक विशेष संरक्षण में उनका पालन पोषण किया था कि उनको सांसारिक हवा न लग जाए। उस विपरीत स्थिति में भी बुद्ध एक ध्रुव नक्षत्र के रूप में अवतीर्ण हो गए। बुद्ध का संबंध जन्म से प्रकृति तत्वों से हुआ। सबसे पहले आते ही जब वो पैदा हुए तो साल वन के घने जंगल में उनका जन्म हुआ था, और सबसे पहले आते ही उन्होंने इस मृत्युलोक में अगर किसी को पकड़ा था तो साल वृक्ष की टहनी को अपनी मुट्ठी में सबसे पहले पकड़ा था। इसलिए साल वृक्ष सबसे पावन और सबसे पवित्र माना जाता है। अपने राजमहल से अपने अश्व घोड़े के साथ निकलने के बाद उनके साथ कोई उनका मित्र नहीं था, बल्कि उनका पशु तत्व घोड़ा ही छंदक उनके साथ था। उससे निकलने के बाद 6 वर्ष उन्होंने कठोर तपस्या की, और उस तपस्या में सिर्फ निराशा और कुंठा, एक परीक्षण काल उनका समय था, सिर्फ वही हाथ लगी। जब वह पावन बौद्ध गया में पीपल देव वृक्ष के नीचे गए तब उनको ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनको पहला ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान की पिपासा में कि वास्तव में हम हैं क्या और हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, इस मंथन से वो विचार करते करते शास्त्रार्थ करना उन्होंने प्रारंभ किया। और जब सारनाथ में पहुँचे तो सारनाथ में उस समय सबसे बड़ी गोष्ठी ब्राह्मण पांडित और उनके बीच में जो शास्त्रार्थ हुआ और उसमें उस उन्होंने जो प्रश्न किया वो आज प्रश्न पूरी तरह से इस विश्व पटल पर प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि जन्म से मनुष्य का बालक क्या है, जन्म से क्या वो ब्राह्मण है, जन्म से क्या वो सांप्रदायिक रूप से किसी दूसरे मजहब या पंथ का है, इसका कोई सही प्रत्युत्तर नहीं दे पाया। तब बुद्ध जी ने कहा कि जन्म से व्यक्ति एक मानव है और वो अपने कर्म के आधार पर ही इस दुनिया में यश सम्मान और कीर्ति पाता है, और सारे दुखों और कष्टों का एक ही मार्ग है सिर्फ दुख। दुख कई चीज़ों से होते हैं और दुख अगर दूर करता है तो आदमी एक ईश्वर ज्ञान की प्राप्ति में आगे बढ़ता है। और उन्होंने अष्टांग योग मार्ग सम्यक दृष्टि सम्यक, दुख के स्वरूपों में ईर्ष्या कुंठा क्रोध लालच ये सारी चीज़ें समाहित हैं। यदि आप इन अष्टांग योग का पालन करेंगे तो आपका जीवन प्रफुल्लित हो जाएगा, ऐसा साकार रूप भी है और ऐसा महात्मा बुद्ध जी ने कहा है। और फिर उन्होंने शक्ति के विशेष उसके लिए बुद्धम शरणम गच्छामि का एक नारा दिया। इस तरह से दुनिया में सबसे पहली बार किसी महान भाव ने मान्यवर ने एक संघ की स्थापना का प्रतिपादन किया। संघ इसके बाद जब आप देखेंगे तो जितने भी अन्य पैगंबर हुए और उन्होंने संघ अपने अपने बनाए दुनिया में, आज विभिन्न संघ हैं जो विशेष संप्रदाय और मजहब के रूप में हैं, लेकिन सबसे पहले दुनिया में अगर किसी ने इस कंसेप्ट को दिया तो वो बुद्ध थे। और फिर उनका लास्ट जीवन का जो आखिरी संदेश था उसको आप अवश्य सुन लीजिए और उसी को हृदय गम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा किसी के पीछे पीछे मत भागो, न पंडित जी के, न पुरोहित जी के, न इमाम जी के, न फादर जी के, न मौलवी जी के। उन्होंने कहा अपो दीपो भव,
अपना ज्ञान स्वयं उत्पन्न करो, स्वयं ज्ञान वर्जित हो, स्वयं अपो दीपो भव। ये आखिरी संबोधन था, आखिरी डायलॉग था, आखिरी शिक्षा थी, आखिरी एक ज्ञान था, और जो हम सब मानवों को दिया है और वास्तव में यही पालन करने के योग्य है। क्योंकि एक प्रश्न और किया था, थोड़ा ब्लॉक बड़ा हो रहा है, थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। ईश्वर के संबंध में कई बार प्रश्न किए, ऐसा नहीं है, उनके जो शिष्य थे उन लोगों ने तरह तरह से तथागत जी से प्रश्न किए कि ईश्वर है कि ईश्वर नहीं है। एक बार स्पष्ट ये प्रश्न किया गया था, तब तथागत जी ने यही उत्तर दिया, ईश्वर है और ईश्वर नहीं भी है। ईश्वर को आप ज्ञान के द्वारा ढूंढिए। अपना अपना ईश्वर सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग स्वरूप है, सबका अलग अलग ज्ञान की ज्ञान के प्राप्त करने की शक्ति अलग अलग है, और वो इन सारे अष्टांग योग और अन्य जो उपाय बताए हैं उनके द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। अपो दीपो भव का सही यथार्थ रूप समझिए। लोग कहते हैं कि दीपक जलाइए, अरे भाई दीपक कोई ज्ञान थोड़ी है, दीपक से तो अंधकार दूर होगा। यथार्थ सुनिए कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। ये देखिए, तभी तो बुद्ध जी ने अपनी शिक्षाओं को शिलापट पर अंकित कराया है और अष्टांग योग बनाया है, तो उसको समझना की आवश्यकता है। लेकिन अब प्रश्न ये है, जो आज बड़ा तार्किक और प्रासंगिक प्रश्न है, कि अपो दीपो भव ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, ज्ञान की प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन क्या है। देखिए मैं बताता हूँ, ज्ञान की प्राप्ति का साधन सबसे पहले श्री बुद्ध जी के समय और आज के समय भी, ज्ञान ग्रंथों से प्राप्त होता है, किताबों से प्राप्त होता है, और यही कारण था कि महात्मा बुद्ध जी ने अपनी शिक्षाओं को शिलापटों पर लिखवाया। इसीलिए तो लिखवाया कि हम सब मानव वहाँ भ्रमण कर सकें और उन शिक्षाओं को अपने दिल में हृदयंगम कर सकें, और यही कारण था। ये सामने देखिए आप, महान कृति मेरे सामने है, भगवान बुद्ध जी और उनका धम्म। ये भारत रत्न बौद्धिस्त बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा इंग्लिश में जो लिखी गई है बुक, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, उसका ये हिंदी अनुवाद है। डॉक्टर डी सी अहीर साहब ने इसका अनुवाद किया है। आप वास्तव में इस ग्रंथ को पढ़िए, इसमें बहुत ही अच्छा सार गर्भित विश्लेषण किया गया है डॉक्टर साहब के द्वारा, और मैंने इसको पढ़ा है, इसमें बहुत ही अच्छे चित्रों के द्वारा भी समझाया गया है, और ये बहुत अच्छी कृति है। वास्तव में देखिए, आज आप अगर मंथन करें, आज की जो प्रासंगिक वर्तमान की जो समस्या थी, जो सबसे बड़ा मुकदमा पूरी दुनिया में चला, श्री रामलला जी का, श्री रामलला जी अयोध्या में, तो उनकी जीत किस तरह से हुई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में, वो जीत हुई साक्ष्यों के आधार पर। साक्ष्य सबसे ज़्यादा कहाँ मिले, ग्रंथों में मिले, और ग्रंथों को नष्ट होने से बचाइए, ग्रंथों का संरक्षण करिए, और ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त करिए, और ग्रंथ ही सबसे बड़े इतिहास हैं, और इतिहास ही हमारा दर्पण है। और सबसे बड़ी उल्लेखनीय आपको खुशखबरी भी बता दें कि जैसे ये छोटी सी ग्रंथ है, इसको आप हमारी लाइब्रेरी उदिया चंद्रा लाइब्रेरी से आप प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, आप घर में बैठ के इसका अध्ययन कर सकते हैं, बशर्ते आपको हमारी लाइब्रेरी की नियमों व शर्तों का आपको पालन करना पड़ेगा। हमारी ट्रस्ट राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ के द्वारा ये लाइब्रेरी संचालित होती है, और ये समाज के सभी वर्गों को ये इस तरह से ग्रंथ और ऐतिहासिक बुक्स और सनातन धर्म तथा अन्य आज के बहुत अच्छे जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, उनके ग्रंथों को ये ऑनलाइन उपलब्ध कराती है। आप भी मेरे फ़ोन नंबर 6393828336 पर संपर्क करके ये आप प्राप्त कर सकते हैं, ये सेवा प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे ट्रस्ट को और हमको अनुग्रहित कर सकते हैं। अपो दीपो भव, अपने ज्ञान को जल, अपने हृदय के ज्ञान को जगाना है आज, और ये
यही नहीं कि भारत या हम अपने जिले स्तर की लड़ाई में या जाति अवस्था में हम लड़ते रहें और रोज धमाचौकड़ी मचाते रहें। नहीं, आज पूरे विश्व को एक बुद्ध की ज़रूरत है। और अगर बुद्ध जी तो ईश्वर ही प्रदान कर सकते हैं हम और आपको, लेकिन उनकी जो नीतियां हैं उनको ही हमें यथावत जन जन तक पहुंचाना है। अगर आप पहुंचाने में अक्षम रहे तो आज का जो आधुनिक समाज है, जो भौतिक सुख के लिए लड़ रहा है, दोहन कर रहा है, देशों का दोहन कर रहा है, हमारे देश का दोहन हजारों साल किया गया है, 250 साल अंग्रेज़ों ने आकर यहाँ सिर्फ शोषण किया है। अगर आप और उस शोषण और महत्वाकांक्षा में दुनिया को क्या दिया है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, करोड़ों नरसंहार, लोग बेगुनाह मारे गए और फिर भी उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं। आज रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य एशिया में इजराइल फिलिस्तीन युद्ध, एक तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी है। अतः बुद्ध को स्थापित करिए जन जन में। अगर आप बुद्ध को स्थापित नहीं कर पाए तो आप ये समझिए कि मानवता के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने भारत दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ में महात्मा बुद्ध और भारत की महत्व को समझाते हुए दुनिया वालों को समझाया कि भारत ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं इस दुनिया को, फिर भी हमें जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। ये सब हम भारतीयों का मूल कर्तव्य है, ये भारत के संविधान की जो कर्तव्य है हम उन कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। जो हम ये ब्लॉग बना रहे हैं, ये ब्लॉग हम भारत के संविधान में जो नागरिकों के कर्तव्य हैं हम उसका पालन कर रहे हैं और जन जन तक में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं बुद्ध जी का। आप भी हमारे साथ कदम बढ़ाइए। अपो दीपो भव, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, बुद्धम शरणम गच्छामि। चलिए साहब, सत्य से जुड़िए, अहिंसा से जुड़िए और सत्य और अहिंसा और प्रभु का संदेश पूरी दुनिया में जन जन में पहुंचाइए। जय हिंद, जय हिंद, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।